समर्थन, इसके लिए देशव्यापी महाजन जागरण अभियान। तो और ये पार्टी नहीं क्यों है, दो इश्यू है इसमें, तो पार्टी में क्या मतलब है, और भारत की संविधान का सम्मान क्यों करना चाहिए, उसकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, उसका संवर्धन क्यों करना चाहिए। तो इससे इसकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए सुरक्षा, ये जो सब्जेक्ट डिजाइन इसमें है, सेपरेटली सब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन इसकी क्यों सुरक्षा करना चाहिए। तो इस पर जो है इसको एक इसके ऊपर अटैक हो रहा है, भारत की संविधान के ऊपर अटैक हो रहा है। तो बहुत सारे साथियों को तो ये पता है और नीलिमा ने भी यहां बताया है कि भारत का संविधान जलाया गया, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जो भारत के संविधान को मतलब हाथ लगाएगा तो उसका हाथ कलम कर देंगे वगैरह वगैरह। इधर महाराष्ट्र में बहुत बातें होती है, मैंने बड़े बड़े नेता लोगों को ऐसा बोलते हुए, ऐसे क्यों, तो इसकी इसके ऊपर अटैक हो रहा है। ये तो सिंबॉलिक अटैक है, ये जो अटैक है भारत के संविधान को जलाने से भारत का संविधान नष्ट हुआ क्या? आज हमारा देश, आज भी देश की जो फंक्शनिंग है वो तो संविधान के दायरे में ही हो रही है। तो ये सिंबॉलिक है, लेकिन सबसे ज्यादा अटैक जो हो रहा है संविधान को लागू करने की, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी हुई, जिन्होंने इस संविधान को लागू करना चाहिए, और क्या लागू करना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए, जो इसमें जनता के अधिकार लिखे हुए हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था है, तो किताब है संविधान जो जलाया गया, किताब जलाया गया, लेकिन उसमें जो अधिकार लिखे गए हैं वो अधिकार लोगों तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, जिनकी एक टूटी लगाई है संविधान ने, एक्चुअली वो लोग उसके विरोध में काम कर रहे हैं, तो व्यवस्था ही विरोध में काम कर रही है। तो अपना इकड़े महाराष्ट्र में एक मन है, क्या है, से खाद्य, ये समस्या है हमारी। तो ये कुंपन जो है, ये कुंपन कौन है, कौन है ये कुंपन? तो आपको पता है कि ये व्यवस्था जो है इसमें तीन व्यवस्था है, एक तो संविधान को लागू करने की जो व्यवस्था है उसमें लेजिस्लेचर है, उसमें एग्जीक्यूटिव है, और उसमें जुडिशियरी है। इन लोगों की टूटी लगाई, मतलब इस देश में ऐसे कानून बनाओ जिन कानून के तहत इस देश में जो जनता के अधिकार है वो वहां तक पहुंचे। ये किसकी ड्यूटी लगाई है, कानून बनाने वाली व्यवस्था। कानून कौन बनाता है, कानून बनाता है लेजिस्लेचर, राष्ट्रीय स्तर पे पार्लियामेंट कानून बनाती है, और राज्यों के स्तर पे जो भिन्न भिन्न विधानसभा है वो कानून बनाती है। कैसे कानून बन रहे हैं, जिनमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, वो ब्रीफ में बताना चाहता हूं। तो एक इसका एग्जाम्पल लीजिए आप, इसका एग्जाम्पल है कि अभी रिसेंटली जो बताया गया इधर, लेकिन मैं उसको इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि कुंपन शेख कैसे खाते, तो क्या कानून बनाया। तो अभी रिसेंटली जब लास्ट पार्लियामेंट भंग होने के पहले, और डॉक्टर साहब ने भी टिकट किया, बाकी साथियों ने टिकट किया, लेकिन मुझे लगता है इस संदर्भ में आपको बताना चाहिए, बताना चाहता हूं कि जिनको ये बचाने की और लागू करने की व्यवस्था क्या, वही कैसे उन्होंने कानून बनाया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने का।
अब ये संविधान में नहीं है, संविधान में ये ऐसा नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए फंडामेंटल राइट्स में ऐसा सुधार नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है। 13 जजेस का केशवानंद भारती की जो केस है उसमें लिखा है कि जो बुनियादी ढांचा है संविधान का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, इवन जुडिशियरी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा लिखा है। लेकिन इसमें सरकार ने बिल लाया, मतलब कौन कौन कल्प्रिट है, तीन संस्थाएं मैंने बताई आपको, लेजिस्लेटर मतलब पार्लियामेंट इसको जिम्मेदार है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, बिल किसने लाया, ये सरकारी बिल था, मतलब सरकार जो दूसरी संस्था है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव दोनों ने मिलकर ये किया, ठीक है। तीसरी कौन सी संस्था है, तीसरी संस्था है जुडिशियरी। जब डॉक्टर साहब ने अभी अभी बताया कि जब हमने पॉलिटिकल मैंने साइन किया, डॉक्टर साहब ने फाइल किया अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला। तो वास्तव में जो संविधान में नहीं है कर नहीं सकते। अभी अभी हवाला किया कि जो मंडल कमीशन के जजमेंट में क्वेश्चन नंबर 4A और 4B में डॉक्टर साहब ने बताया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो इमीडिएटली जब सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन दायर किया तो उन्होंने इसको स्टे करना चाहिए, स्पेशली 9 जजेस के बेंच ने देने की वजह से उसको स्टे नहीं किया। मतलब कौन से कूपन खा रहे हैं, सेब को लेजिस्लेचर खा रहा है, सेब को एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार खा रही है, एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार होती है, जो भी आप लोग इधर जहां भी सर्विस करते हैं सबॉर्डिनेट सरकार जो है वो एग्जीक्यूटिव होती है, उसने किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। इसका मतलब ऐसा हो रहा है, सवाल ये उठता है ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस संविधान के खिलाफ में संविधान को लागू करने वाली संस्थाएं ही ये काम क्यों कर रही है विरोध में, ये ज्यादा बुनियादी इशू है। तो आप ये देखेंगे कि इस देश में ये संविधान लागू होने के पहले इस देश में और एक संविधान चल रहा था, कौन सा संविधान चल रहा था आप बताइए। हाँ जी, क्योंकि मैं ओबीसी के साथ आठ ही लोग हैं, ये शेड्यूल कास्ट के लोग तो मतलब संविधान के लिए हाथ नहीं काटेंगे, हाथ कटवाते वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। ओबीसी के साथ क्यों ये पूछना चाहते हैं, कौन संविधान, मनुस्मृति। अब ये मनुस्मृति में क्या था, मनुस्मृति में जो भी इधर बताया मेरा ख्याल है नीलिमा ने भी बताया, मनुस्मृति में ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिए। मनुस्मृति कैसी बनी क्या बनी मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूं अभी, लेकिन उनको एक विशेष अधिकार थे। और हम जो लोग हैं इसमें शेड्यूल कास्ट आते हैं, इसमें शेड्यूल ट्राइब आते हैं, इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग आते हैं, इसमें यहां से जो भिन्न भिन्न धर्मों में गए इन तीनों से वो सब लोग आते हैं, तो उनको को विशेष अधिकार थे और इन लोगों को कोई अधिकार नहीं थे, इनको कोई अधिकार नहीं थे। तो आप ये देखेंगे कि जब बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर मिला वो और दूसरी हिस्ट्री है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये अवसर जोगिंद्रनाथ मंडल ने लाया है, हम उनके शुक्रगुजार है जोगिंद्रनाथ मंडल के, हम नहीं भूल सकते, जैसे बाबा साहब को नहीं भूल सकते वैसे जोगिंद्रनाथ मंडल को भी नहीं भूल सकते। अगर जोगिंद्रनाथ मंडल नहीं होते तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाते, और अगर बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाते और 17 दिसंबर 1946 का बाबा साहब ने जो भाषण किया बड़ा इंपॉर्टेंट भाषण है और संगठन की तरफ से मेरा ख्याल इधर उपलब्ध है भाषण, प्रिंट किया है, हिंदी में भी किया है, मराठी में तो पहले नीलिमा ने कर लिया था, मैंने बोला था उसको,
तो वो भाषण जो बाबा साहब ने अपने देश के प्रति उनकी उनका समर्पण जो है जब उस भाषण में उन्होंने रखा, तो बाबा साहब को संविधान के ड्राफ्टिंग कमिटी के बाद में चेयरमैन बनाया गया। ये जोगेंद्रनाथ मंडल का बहुत बड़ा तो पॉइंट ये है कि जिनको विशेष अधिकार थे उनके बाबा साहब ने वो विशेष अधिकार बाय जस्ट स्ट्रोक ऑफ पेन निकाल दिए, उनके कोई विशेष अधिकार नहीं रहेंगे, ये लिख दिया। और जिनको कुछ भी अधिकार नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ ड्यूटी थी, कर्तव्य थे, ड्यूटी थी सेवा करने की, मतलब शूद्रों को अति शूद्रों को, शूद्रों अति शूद्र अलग नहीं है, इनको ऊपर के वर्णों की सेवा करने की ड्यूटी थी, अधिकार नहीं थे, उनको बाबा साहब ने अधिकार दिलाए, उनके निकाल लिए और इनको और कितने दिए को बराबर दिए, कितने दिए, जितने ब्राह्मणों को होंगे, जितने क्षत्रियों को होंगे, जितने बच्चों को, उतने ही अधिकार इन लोगों को दिए, इक्वल अधिकार। अब मुझे बताइए, ऑनेस्टली बताओ आप लोग, अभी आप शिविर शिविर ट्राइव बैकवर्ड क्लासेस के लोग, अगर आप ब्राह्मण होते तो क्या ये टॉलरेट करते, ये जो बाबा साहब ने ऐसा किया, अगर आप ब्राह्मण होते तो क्या आप इस चीज को टॉलरेट करते, नहीं करते, इसका जवाब यही है। और इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो लोग था वो इस संविधान के खिलाफ में थे। अभी वो संविधान के खिलाफ में हुए हैं इसलिए वो जला रहे, इसलिए ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज है, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो असेंबली में बैठे हुए वो लोग, और इधर सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग होती है, वो सब लोग मिलकर इसके खिलाफ में काम किया। एक तो ये उदाहरण है। अब ये उदाहरण करते वक्त उन्होंने जो उसकी जो तो प्रिंसिपल मैंने बताया, इसकी जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, इसकी मैकेनिज्म है, अगर कोई व्यवस्था किसी को रिजर्वेशन अगर देना है तब भी उसकी एक प्रिंसिपल तो मैंने उन्होंने खत्म कर ही दिया, इवन प्रोसीजरली भी उसको खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी किसी को रिजर्वेशन देना या नहीं देना चाहिए तो उसका डाटा कलेक्शन करना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए संविधान के तहत वो ये समाज का ये तबका है इनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसके लिए डाटा होना चाहिए, वो नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अभी उनके सामने अभी पेंडिंग है इशू, एक क्लासिफिकेशन का इशू होता है संविधान के दायरे में, क्लासिफाई करना पड़ता है, आप यू कैन नॉट सिंपली कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्लासिफाई करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया लगाया हुआ है, वो क्राइटेरिया है इंटेलिजेंस डिफरेंशियल, मतलब समाज का एक वर्ग समाज के दूसरे वर्गों से कैसे अलग है ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे बताना पड़ेगा, लिख दिया और ये कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं संविधान के ऊपर जो इंटरनल अटैक। दूसरा दूसरा महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का देख लीजिए, मराठाओं को यहां रिजर्वेशन दिया, अभी वो चल रहा है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी हाईकोर्ट ने दिया सुप्रीम कोर्ट में गया। अब ये मराठा रिजर्वेशन में अगर आप देखेंगे तो कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन देने की व्यवस्था नहीं है। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, बहुत सारे लोगों को समझते नहीं, अपने समाज के लोगों को समझाना बड़ा कठिन काम है, कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, क्लासिफिकेशन होता है एंड कास्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, डोमिनेंट क्राइटेरिया है रिजर्वेशन देने के लिए, इट इज वन ऑफ द मेनी क्राइटेरिया एंड इट इज अ डोमिनेंट क्राइटेरिया, बट कास्ट बाय इटसेल्फ इज
को रिजर्वे चलते ने का या नहीं देने का वो पार्लियामेंट को अधिकार है, उसको इंक्लूड करने का एक्सक्लूड करने के जो अधिकार है ये पार्लियामेंट को है, असेंबली को नहीं है। तो वास्तव में इन्होंने पार्लियामेंट को प्रपोजल भेजा, वो इन्होंने नहीं किया। मैं से ये बताना चाहता हूं कि संविधान पर जो है इंटरनल अटैक है। सवाल ये उठता है कि संविधान पर तो इंटरनली अटैक कर रहे हैं और जिनकी ये ड्यूटी लगाई है इसको प्रोटेक्ट करने की वो लोग कर रहे हैं, तो वो लोग वहां कैसे थे जहां पॉलिटिकल पार्टियां, तो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आप ये कार्यक्रम बना रहे हैं। यहां पॉलिटिकल पार्टी आ रही है कि ये लोग खुद होकर पार्लियामेंट में जाकर नहीं बैठे। अजी बताओ, आप यहां बताओ कि मोदी इस कुर्सी से उठ के उस कुर्सी से कुर्सी पे खुद होके जाके बैठा, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ तो कैसे हुआ थी? वो कैसे गया वहां? वो कैसे गया? महिलाएं बताइए कैसे गया वो? अरे किसी को कुछ भी पता नहीं। वो कैसा गया वहां? वो अहमदाबाद से एक फ्लाइट निकली थी और उस फ्लाइट पे बैठा जी, वो दिल्ली में लैंड हुआ, वहां से गाड़ी आए उसको मतलब वहां जाके ऐसा हुआ? आज चुनके किसने चुना? किसने चुना? गेहूं चुनती हो? गेहूं चुनती हो आप लोग? चावल चुनती हो आप लोग? और जब चुनते हो तो चावल बाहर फेंकते हो या खड़े बाहर फेंकते हो? क्या करते हो आप? चावल तो वो खड़ा है या चावल है आपको पता है ना? आपको पता है कि ये चावल है तो इसको रखो, और आपको पता है कि ये खड़ा है तो इसको फेंको। तो आपको खड़े फेंकने की बजाय, खड़े फेंकने की बजाय उसको ऐसा फेंका कि वो पार्लियामेंट में जाके बैठ गया। उस खड़े को ऐसा फेंका कि वो वहां जाके बैठ गया। इसका मतलब खड़ा कौन सा है और चावल कौन सा है ये पता नहीं है जनता को। अगर जनता को ये पता होता और जो संविधान की रक्षा करना चाहते हो आप लोग सब, क्योंकि आपको अधिकार मिले जो नहीं है, जो अधिकार आपको मिले उसका बचाव करने के लिए आपको जो एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, वो आपने मतलब जनता ने अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं किया। ये हुआ उन्होंने सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये इशू है। क्यों नहीं किया सही इस्तेमाल? तो इसका मुख्य कारण है जो फुले साहब ने कहा, वित्ते नामति गेली गति गेली वित्त गेले शूद्र कतले आणि एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने गेले, ये अज्ञान वस्तुआ। तो जब तक हम इस समाज को ज्ञानी नहीं बनाएंगे तो ये खड़े चुनने का जो कार्यक्रम है ये बराबर नहीं हो सकता। तो इनको ज्ञानी बनाने का कार्यक्रम, अगर ये अज्ञानी है तो इसको ज्ञानी बनाना है तो क्या करना चाहिए हमने? क्या करना चाहिए हमने आज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमने क्या करना चाहिए? एक गाली बनेंगे, सही लोगों को सत्ता में भेजेंगे। जब तक अज्ञानी रहेंगे जो हो रहा है पिछले साल 70 साल से ऐसा ही होते रहे, तो इनको ज्ञानी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं ना, लेकिन पढ़ा लिखा होना और ज्ञानी होना एक चीज नहीं है, ये अलग अलग है। ज्ञान को नॉलेज बोलते हैं और पढ़ने को एजुकेशन, पढ़ने को एजुकेशन बोलते हैं और ज्ञान को नॉलेज बोलते हैं। और इसको करने के लिए सबसे पहले
पहले जो हमने सीखा स्कूल में जाके, पहली कक्षा में जाके सीखा, तो सबसे पहले क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया? पढ़ाया सबसे पहले ये बोले ही हमारा सत्यानाश कर दिया, ये निकाल दो, क्या होगा? अज्ञान से आ निकाल दो, क्या होगा? ये जो है सबसे पहले जो ब्राह्मणों ने हमें पढ़ाया वही हमारे लिए परेशानी। तो ये अनिकालने के लिए समाज को समझाना पड़ेगा। अब इस मामले में जो व्यवस्था है इसमें आप ये देखेंगे, मैं कुछ ये बाबा साहब के काफी कोर्स लाया हूं और मैं सभी कोर्स आपके सामने मैं नहीं रख पाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स है इस इश्यू के ऊपर, वो जो बाबा साहब का, जो बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, पार्टी की आवश्यकता क्यों है, मेरा ख्याल है कुछ साथियों ने, मेरा ख्याल है सारे साहब ने बताया पार्टी के बारे में, लोग दुनिया भर की चीजें हमको पूछते रहते हैं। ये एक मिनट मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1942 में बना, लेकिन 1951 में 28 अक्टूबर 1951 में बाबा साहब ने पार्टी के बारे में कुछ कहा है इंपॉर्टेंट, तब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से इलेक्शन लड़े जा रहे थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे, 52 में इलेक्शन हुए, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो 28 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने स्पीच किया है और वो ये मान रहे हैं कि इस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। जिस पार्लियामेंट के बारे में मैं अभी आपके साथ जिक्र कर रहा हूं वो ऐसा होना चाहिए, और वो खुद कह रहे हैं I am very greatly attached to the parliamentary system of government. मेरी खुद की भी ऐसी भावना है कि इस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। और आगे आगे ये कहते हैं, and the government, parliamentary government means the government by discussion and not by fist plus. चर्चा पार्लियामेंट्री सिस्टम में चर्चा होगी ये कह रहे हैं, और मारामारी नहीं होगी, वाला मामला मतलब है मारामारी नहीं। आगे जो लिख रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अनदर पिलर ऑन विच द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रेस्ट, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो इस देश में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में सत्ता में क्यों नहीं आते, जैसे मेरा कहले हेमराज सिंह ने बोला कि हमारी सत्ता क्यों नहीं आई, इसलिए खुद बाबा साहब बोल रहे हैं कि मैं इससे बहुत अटैच हूं पार्लियामेंट्री सिस्टम से। क्यों अटैच थे पार्लियामेंट, क्या हमारे साथ अटैच थे कि नहीं बाबा साहब, आप बताइए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ तो अटैच हूं करके वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अटैच थे कि नहीं बाबा साहब, मेरी मत अटैच थे, इसका मतलब हमारे हितों की रक्षा, हमारे अधिकारों की रक्षा पार्लियामेंट्री सिस्टम से हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो फिर हुई क्या नहीं, फिर मतलब इतने 70 साल में हम सत्ता में क्यों नहीं गए, ये इश्यू है। क्योंकि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेक्शन ऑफ वन कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी टू अनदर इन ए पीसफुल मैनर विदाउट एनी ब्लडशेड। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने से एक पार्टी से सत्ता जाती है और दूसरा पार्टी को हैंड ओवर होती है, ये पीसफुल मैनर में होती है। ये फिर आगे वी मस्ट नॉट टू द साइड ऑफ द फैक्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुद्दे इस समाज के लोगों ने उठाना है, इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। और वो क्यों नहीं हो रहे, 1951 में बाबा साहब कह रहे हैं वी मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट वी बिजनेस
एनी पॉलिटिकल पार्टी व्हाट विल बी द रीजन ये हो रहा है या नहीं हो रहा है कि बाबा साहब कह रहे 1951 में कह रहे क्या कह रहे कि कोई कॉर्पोरेट हाउस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है तो इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की प्रक्रिया में परेशानियां खड़ी हो सकती है। कैसे हो सकती है, यह भी लिखा इफ द पार्टी टू विच दे हैव सपोर्टेड फाइनेंशियली कम इन टू पावर, जिस पार्टी को बिजनेस हाउसेस ने पैसा दिया और वो अगर सत्ता में आती है दे विल नेचुरली ट्राई टू एक्सट्रैक्ट कंसेशन फॉर देमसेल्फ आइदर बाय मॉडिफाइंग द प्रेजेंट लेजिस्लेशन और बाय इंक्रीजिंग द पार्टी इन पावर टू द लेजिस्लेशन। बहुत क्लियर लिखा बाबा साहब ने कि बिजनेस हाउसेस जिस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देंगे वो उस पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद उसके डिसीजन को मैनिपुलेट करेगी और वो उनके हित में काम करेगी ना। और ये इस देश में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस देश में यही हो रहा है। इसलिए आप पिछले मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंडा अडानी और अंबानी का नाम बहुत चल रहा था कि नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये वही है। ये कब बोल रहे बाबा साहब, 1951 में बोल रहा है, यही देश में हो रहा है। मतलब इससे क्या क्या होने वाला है, उस महान व्यक्ति की दूरदृष्टि इतनी थी कि इसमें ये होने वाला, अगर ये इस देश में होने वाला है और आपके अधिकारों का हनन होने वाला है 1951 में हमको अगर बताया तो हमने क्या किया। बाबा साहब ने 1951 में अगर हमको बताया तो पिछले 70 साल में हमने क्या किया, तो हमने अगरबत्ती और मेणबत्ती जलाया। बाबा साहब हमके हम पक्के फॉलो हो रहे हैं, हमने अगरबत्ती और मेणबत्ती बराबर लगाते हैं उनको, लेकिन जो करने के लिए कहा वो हमने मतलब वी विल नॉट विजिलेंट अबाउट आवर राइट कि जो पार्टी सत्ता में आएगी वो ऐसा करेगी, तो ऐसी पार्टी को सत्ता में हमने नहीं भेजना चाहिए था। कांग्रेस को हमने सत्ता में नहीं भेजना चाहिए था, बीजेपी को हमने सत्ता में नहीं भेजना, हमने देखा ये इग्नोरेंस की वजह से हुआ। इसलिए इसका ध्यान रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट अभी सत्ता में आई है इसमें क्या किया, आपको कंपनी एक्ट मालूम होगा, कंपनी एक्ट को इस सरकार ने लेजिस्लेचर लाके, बाबा साहब ने कहा है ना लेजिस्लेचर लाए, कंपनी एक्ट को इन्होंने अमेंड किया और कंपनी एक्ट को अमेंड करके इलेक्शन बॉन्ड की प्रक्रिया लाया और इलेक्शन बॉन्ड ये कॉर्पोरेट हाउसेस खरीद के बैंक में मिलते हैं, वो व्यवस्था इसमें नहीं होती। और ये इलेक्शन बॉन्ड कोई भी पॉलिटिकल कोई भी कॉर्पोरेट हाउस करोड़ों लाखों में खरीद के किसी भी पार्टी को वो दे सकते हैं और वो पार्टी बैंक में जाके उसको एनकैश कर सकती है। और ये इलेक्शन बॉन्ड किसने खरीदे और कितने करोड़ों रुपए के खरीदे इसका इन्वेस्टिगेशन सरकार नहीं करेगी, ऐसा वो अमेंडमेंट किया। तो इसलिए इस इलेक्शन में डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे कि 48,000 करोड़ रुपया ऐसा अनुमान है कि जो खर्चा होगी, और इसलिए हमारे अधिकार जो सुरक्षित होने चाहिए वो, ये हमारे समाज को समझाने का काम किसका है, ये हमारे समाज को समझाने का काम एक पॉलिटिकल पार्टी का है जो इस समाज के अधिकार को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जो पॉलिटिकल पार्टी उसका ही काम है। और वो बाबा साहब ने लिखित रूप से कहा, इसलिए भी हमारा काम दोनों तरफ से। तो ये चीज आपने ध्यान देने लायक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है इसके बारे में एक कोट बाबा साहब ने, बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है कि क्या होना चाहिए वो
यहाँ ये कह रहे हैं बाबा साहब कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट मियर एन ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल पार्टी ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सिर्फ, और वो सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे ऐसा नहीं है. वो सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे ऐसा नहीं है. पॉलिटिकल पार्टी ने अपने समाज को चेतना देनी चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी का ये काम है अपने समाज को अभिगत करना चाहिए, अपने समाज के हितों की रक्षा करने के काम के लिए पॉलिटिकल पार्टी ने काम करना चाहिए. ऐसा बोलिए मियर सत्ता. अब जो इस देश में इस समाज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसमें कई महाराष्ट्र में बड़ा देश ट्राइलिंग फॉर, वो क्या करना चाहते बाय हु और बाय हु, कोई आइडियोलॉजिकल थॉट नहीं है. वो कम्युनिस्टों के साथ आएगा. मतलब मेरा घर मैंने देखा क्या क्या जिनका आज बोलबाला महाराष्ट्र में चल रहा है. कम्युनिस्ट लीडर को अपने पीछे मोटरसाइकिल पे लेके घूम रहे थे, कन्हैया कुमार को लेके घूम रहे थे, इधर व्हाट्सएप पे चल रहा था. कम्युनिस्ट हमारा कल्याण करेंगे, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करना, ब्राह्मणों के साथ आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करना, ये हमें सत्ता में नहीं रहा. कास्ट कॉम्बिनेशन करना क्या है? कास्ट ये हमारा क्रिएशन नहीं है, ब्राह्मणों का क्रिएशन है कास्ट. और कास्ट का कॉम्बिनेशन करके सत्ता में आना, तो कास्ट को खत्म रखना या कास्ट को बनाए रखना क्या हो रहा है? और जिन कास्टों को इकट्ठा लाके काम करने का जो कार्यक्रम है वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी के खिलाफ में है. इनफैक्ट कास्ट को डिस्ट्रॉय करना, कास्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बाबा साहब की आइडियोलॉजी. क्यों है ये भी लिखा एक स्पीच में, उसी में ये बड़ा ये लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. इसका टाइटल है डेमोक्रेसी का प्रॉस्पेक्ट क्या है. मतलब इस देश में डेमोक्रेसी का भविष्य क्या है, इसके बारे में वो लिख रहे हैं. इट इज प्राइमरी मोड ऑफ डेमोक्रेसी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिपब्लिक. रिपब्लिक इंडिया के इधर इस भाषण में है, ये 20 मई 1956 का स्पीच है बाबा साहब का. इसमें ये कह रहे डेमोक्रेसी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एज ए रिपब्लिक as well as from parliamentary government. The roots of democracy lie not on the form of the government, primary, parliamentary or otherwise. Democracy is more than the form of the government. It is primarily a mode of associativeness. ये basically मिलजुल के रहने का associativeness, एक दूसरे के प्रति सद्भावना के सामने fraternity के ऊपर जो बहुत डिटेल में समझा ये बाबा साहब ने लिखा है. इसने मई 1956 में वो लिख रहे हैं कि इसमें to put it in print when we speak of a society associated living, मतलब समाज मिलजुल के रहे उसको associated living. To put it in print when we speak of a society we conceive of it as one by its very nature. The quality which accompanies this unity are praiseworthy commodity of purpose and to be found purpose, desire for welfare, loyalty to the public good, mutuality of sympathy and cooperation. ये चीजें होनी चाहिए. मतलब समाज ऐसा होना चाहिए जिस समाज में मतलब यूनिटी प्रेजवर्ती होनी चाहिए, उसमें डिजायर लोगों की जनता का वेलफेयर करने की भावना होनी चाहिए, वो लॉयल्टी टू द पब्लिक इट्स जनता का कल्याण हो उसके प्रति वो लगे होना चाहिए, लॉयल्टी टू द पब्लिक एंड म्यूचुअलिटी ऑफ सिंपथी एंड कॉम्पैशन. ये चीजें कास्ट में नहीं होती. The existence of caste system is a standing denial of the existence of those ideas of society and therefore of democracy. मतलब इस देश में डेमोक्रेसी सही मायने में चलने के लिए आपको
of caste system is a standing denial to the existence of those rights. इसका मतलब क्या करना है? अगर डेमोक्रेसी इस देश में सक्सेसफुल करना है तो कोऑपरेशन होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, तो वेलफेयर और कोऑपरेशन और दूसरों का कल्याण हो, ये चीज होनी चाहिए, तो इसको फ्रैटर्निटी कहते हैं। हर व्यक्ति का कल्याण होने की भावना होनी चाहिए, उसको कहते हैं फ्रैटर्निटी। और इस देश में जो व्यवस्था है उस कास्ट सिस्टम में ये नहीं। कास्ट सिस्टम क्या करता है? कास्ट सिस्टम जो है सच ए सेपरेशन प्रिवेंट्स ए सोशल एंड ऑफ कास्ट। कास्ट सिस्टम समाज में आपस में मिलजुल करके रहने की भावना को दूर करता है। जाति में रहता है, जाति में ही सोचता है, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी के विरोध में है कास्ट। तो अगर इस देश में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होना चाहिए तो कास्ट को क्या करना पड़ेगा? कास्ट को क्या करना पड़ेगा? कास्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा है कास्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो ब्राह्मणिकल पार्टी हो या वो नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी हो या हमारे में से कुछ लोग हो, अगर कास्ट के लाइन के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं तो वो एक्चुअली इस देश में जो डेमोक्रेसी बाबा साहब चाहते थे उसके खिलाफ में काम, उसके खिलाफ में काम कर, ये हमें समझना होगा। और इसलिए ये इस पार्टी का एजेंडा है कि इस कास्ट सिस्टम को यहां से खत्म करके डेमोक्रेसी को इसमें। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात बाबा साहब कहते हैं कि कैन एजुकेशन डिस्ट्रॉय द कास्ट। ये सब पॉलिटिकल स्पीचेस है उनके। एजुकेशन से कास्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि लोग एजुकेट हो जाएंगे तो कास्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो क्या आज भारत में एजुकेटेड लोगों की संख्या कम है या ज्यादा है? है, बहुत ज्यादा है। तो कास्ट डिस्ट्रॉय हुई क्या? तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि इसका जवाब जो है हाँ भी है और ना भी। तो क्या कह रहे हैं कि कास्ट, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ब्राह्मण लोग जो है ये बहुत एजुकेटेड लोग है तो फिर कास्ट डिस्ट्रॉय क्यों नहीं? तो ये कह रहे हैं कि फिर उनको कास्ट डिस्ट्रॉय वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो अपने कास्ट के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में लगे रहते एजुकेटेड होने के बावजूद। तो फिर आगे कह रहे हैं बट एजुकेशन में भी सॉल्व इफ इट इज अप्लाई टू द लोअर सेट ऑफ इंडियंस। अगर एजुकेशन जब जो शूद्र लोग हैं इनको अगर दिया जाए तो ये कास्ट सिस्टम उसमें डिफॉल्व हो सकता है। वो भी नहीं होना चाहिए ना। अभी आपको एससी एसटी ओबीसी के लोग एजुकेटेड है कि नहीं? है कि नहीं? तो फिर कास्ट सिस्टम डिजॉल्व क्यों नहीं हो? बाबा साहब कि ये समाज का वर्ग एजुकेटेड होने के बाद भी जाति नहीं जी रहा है, कम से कम उन्होंने तो डिजॉल्व कर देना चाहिए था कास्ट सिस्टम को। वो नहीं हो रहा है क्योंकि अल्टरनेटिव आइडेंटिटी पर काम नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट ये हमारे सोशल लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव आइडेंटिटी नहीं होने की वजह से ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस का तबका एजुकेटेड होने के बावजूद भी कास्ट सिस्टम में जी रहा है क्योंकि अल्टरनेटिव आइडेंटिटी पर काम नहीं हुआ। तो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी जो है वो डॉक्टर साहब ने क्लियर लिखा कि जब तक मूल निवासी आइडेंटिटी, ये जो मतलब लोअर स्ट्रेटा सोसाइटी जिसकी बात कर रहे हैं वो उसमें होना चाहिए। वो लिखते हैं इट वुड रेल द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन। हुआ नहीं, ये लिख रहे आगे कि अगर इन लोगों को अगर एजुकेशन दिया जाए तो वो रिबेल करेंगे, व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन गए, गणपति हमारे घर में बैठा। मैं तो कोंकण में रह चुका हूं ना, रत्नागिरी में, वो तो हर घर में बैठा। मेरा ड्राइवर था एक माने, मैंने बोला भाई महाराज माने गणपति बिठाया कि नहीं बिठा? बोला कि ना माने। तो मैं बोला वो पंडित को कितना दिया? वो बोले 151 से नीचे लेता ही नहीं।
बाद आके तुम्हारे घर में इतनी गाली देता होगा कि वो उसकी संस्कृति के बारे में कुछ बोलता होगा। तो वो गाली देता है, गाली देके चला जाता है, 151 रुपया मिनिमम लेता है, लेकिन ये चल रहा है। तो मतलब ये रिबेलियन क्यों नहीं? तो ये रिबेलियन नहीं हुआ, इसका कारण भी ये है कि इन समाज में वेलकम रिवॉर्ड करने के जो सीट्स डालने चाहिए, वो सीट्स जो किसान जो है खेती कब उगती है, खेती कब उगती है, जब वो बीज डालते हैं तब खेती। अगर आज तक खेती नहीं होगी, इसका मतलब रिवॉर्ड के बीज जो डालना चाहिए था वो डाले, किसने डालना है, ये काम एक पॉलिटिकल पार्टी का है कास्ट को खत्म करने के लिए, एजुकेशन से रिवॉर्ड की सीट डालने के लिए। फिर आप भी देखेंगे कि वो नीलिमा बता के गई है कि अभी एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया, ये रिवॉर्ड के सिस्टम क्यों नहीं गई, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ब्राह्मणों ने कंट्रोल करके रखा, क्या पढ़ाने का और क्या नहीं पढ़ाने का ये वो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करते हैं, और आप उसके ऊपर कमेंट्स नहीं देते, उसको उन्होंने कमेंट्स एंड सजेशन मांगे, आपके कमेंट्स मांगे मतलब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये देश के हित में नहीं है, ये जनता के हित में नहीं, ये कमेंट्स मांगे और सजेशन मांगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन इस समाज का जो एजुकेटेड तबका जो खुद को कहता है वो इसमें, मैंने कोशिश की, वो 457 पेज का ड्राफ्ट, अब मुझे ये बताओ मैं ये 457 पेज पढ़ते बैठू या तुम लोगों के लिए घूमते फिरते। तो इस समाज के लोग घर में बैठे हुए वो काम नहीं कर रहे, जो एजुकेशन सिस्टम में है प्रोफेसर लोग हैं, डॉक्टरेट्स हैं, उनका ये काम है, उन्होंने ये करना चाहिए। मैंने तो 4-5 पॉइंट्स निकाले, एक पॉइंट सिर्फ मैं बताता हूं, उसमें से मैंने ये कहा कि ये तो ट्यूशन क्लासेस नहीं बंद करें, एजुकेशन सिस्टम में ट्यूशन क्लासेस बंद कर देना चाहिए, ट्यूशन क्यों देना पड़ता है, तो फिर वो स्कूल में क्या पढ़ता है, स्कूल काहे के लिए, अगर उसको अलग से ट्यूशन देना पड़ रहा है तो स्कूल काहे के लिए, स्कूल में पढ़ना चाहिए ना, वो स्कूल में पढ़ाता नहीं मास्टर, और बच्चों को लगता है, माँ बाप को लगता है कि मेरी मेरे बच्चों के प्रति ये जिम्मेवारी है कि वो मेरे से अच्छा, उसको जो है उसका लाइफ जो है दे शुड गेट अ बेटर लाइफ, हर पेरेंट्स को लगता है कि वो अच्छा, तो फिर वो क्या करता है, उसकी स्थिति नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, वो फिर भी उसको पैसे दूसरे खर्चे कम करके ट्यूशन, ट्यूशन क्लासेस बंद कर देना चाहिए। और जो टीचर लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्या क्या वो शेड्यूल कास्ट का टीचर है, शेड्यूल ट्राइब का है, अदर बैकवर्ड लोग, वो ब्राह्मण है, कोई भी है, अगर वो नहीं पढ़े तो उसकी व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को मतलब इंप्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो उसका जो एडीआई एजुकेशन इंस्पेक्टर है उसने उसके खिलाफ में स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वो उस ऊपर वाली सिस्टम में ब्राह्मण बैठे हुए। तो ओवरऑल इस देश का जो सत्यानाश हुआ है ये ब्राह्मणों ने किया। अब ये मैं टाइम भी मेरा हो गया, मैं कितना अब इंपॉर्टेंट वाला तो इश्यूज बिफोर द नेशन, राष्ट्र के सामने क्या इश्यूज है इसके बारे में मैं कुछ बात बताऊं। राष्ट्र के सामने अभी अभी जो बजट आया, मोदी क्या बोलता है, मैं देश को बिकने, क्या बोला मोदी, क्या बोला, मैं देश को बिकने बोला कि नहीं बोला, और किया क्या इस बजट में, सॉवरेन बॉन्ड इन डॉलर, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सॉवरेन बॉन्ड इन, सॉवरेन मतलब अपने राष्ट्र की संपत्ति, उसके तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन राष्ट्र को धार दूसरे देश को बेचना, कैसे बेचना, डॉलर में, तो डॉलर कहां से आया, इंडिया में डॉलर होता है क्या, डॉलर कहां होता है, मतलब
सॉवरेन बॉन्ड राष्ट्र के सब जो संपत्ति है उस संपत्ति को डॉलर में बेचना है। बोल क्या रहा है, मैं देश को मतलब पूरा फ्रॉड, मतलब ये आदमी पूरा फ्रॉडुलेंट है, और ये फ्रॉडुलेंट आदमी को आपने राइस समझ के चावल समझ के पार्लियामेंट में भेजा है और खड़ा समझ के इसको बाहर नहीं। फिर वो बोलता है $5 trillion की इकोनॉमी हम इस बजट में बोल रहे हैं, $5 trillion की इकोनॉमी बनाएंगे ऐसा बोल। अभी $5 trillion की इकोनॉमी बनाने के लिए पैसा चाहिए। सी इकोनॉमी ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ आती है, फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पादन बोलते मराठी में, ये $5 trillion कर रहा है। तो $5 trillion करने के लिए तीन जो सेक्टर है जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक है सर्विस सेक्टर, एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है आपको पता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा नहीं डाला गया, सत्यानाश कर दिया एग्रीकल्चर का, तो वहां प्रोडक्शन होगा क्या? अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो $5 trillion इकोनॉमी 5 साल में कैसे? इंडस्ट्री अभी ये बाहर देश में जो बॉन्ड डॉलर में क्यों बेच रहा है, इसके भी रिपोर्ट आए हुए हैं, मैं बता रहा हूं। क्या रिपोर्ट आया? इंडिया के लोगों के पास पैसा है, मेरे पास भी है, ताड़े साहब के पास भी पैसा है, मेरे पास भी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में भारत सरकार ने जो बॉन्ड मार्केट में लाए हुए हैं इंडिया के लोग नहीं खरीद रहे। इंडिया के लोग क्यों नहीं खरीद रहे? इंडिया के लोगों के पास पैसा भी है और इंडिया के लोग तुम्हारे बॉन्ड डिफरेंट किस्म के बॉन्ड है वो खरीद नहीं है। क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि तुम्हारे ऊपर भरोसा कि हमारे पैसे का क्या होगा। तो भरोसा अगर इंडिया के लोग नहीं खरीद रहे तो जिस देश के लोग है उस देश के लोग अपने देश के बॉन्ड नहीं खरीदे तो बाहर के लोग खरीदेंगे क्या? बाहर के खरीदेंगे का मतलब पूरा ठप, पूरी बदमाशी, पूरा फेंक। ये देखो जो कार्यक्रम चल रहा है इसको हमने समझ। फिर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन मिला के लिए बात करती है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन वो बोल रहे हैं कि 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपया दे देते हैं बाहर के लोग, तुम्हारे पास लगाने वाले भी जैसे मैंने आपको बताया तो क्यों लगाएंगे, तुम्हारे अंदर से नहीं लगाएंगे बाहर। तो ये पूरा ये बजट जो है पूरा खोखला बजट बना के, और इशू ये इशू है, ये देश के उन्नति के ये इशू है। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है? मंदिर चल रहा है, गाय चल रही है, हमारे देश में मंदिर चल रहा है, गाय चल रही है और मूर्ख बनाने की प्रक्रिया शुरू। नेशनलिज्म की बात करते हैं, क्या नेशनलिज्म? नेशनलिज्म जो होता है वो एक दूसरे के प्रति सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द कंट्री, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द कंट्री की फॉर जमीन पत्ते पेड़ जानवर, दैट इज नॉट द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द नेशन। द सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन एवरी इंडिविजुअल इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द होल सिटीजन। तो हमारे देश में जो दूसरे जनता है वो घर एक दूसरे के प्रति सेंसा बिलोंगिंग, दैट इज व्हाट द फ्रेटरनिटी, वो है ही नहीं। इनफैक्ट इसके खिलाफ में चल रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों को मारा जा रहा है, हमारे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब भाइयों को मारा जा रहा है। तो आपने देखेंगे कि ये नेशनलिज्म का जो प्रपोजल है इन्होंने शुरू किया है इस चीज को। अभी अभी एक और इशू आया, अभी मैंने आपकी पेपर में सुना, वो ये बोल रहे हैं सेव मेरी फिर इंडिया, बड़ा होगा तो उन्हें तरीका भी दिया था दूसरा पेज आता है उसमें आया हुआ सेव मेरी फिर कौन मेरी, कौन सा मेरी बचाना चाहते हो भाई? भारत की तिजोरी से पैसा निकाल के अपने हिस्से में डालना वाला भी ये हो रहा, भारत की तिजोरी से पैसा निकाल के अपने हिस्से में
हुआ जो मुख्यमंत्री या जो गठबंधन सपोर्ट किया संबंध नहीं है जा रहे हैं अभी कर्नाटक में आप देखिए गोवा में देखिए लोग आते हैं
आते हैं आपके हित में नहीं, लोग सत्ता में आते हैं और दलबदलू का काम करते हैं, दूसरी पार्टी में जाके फिर सत्ता में आते हैं, आपके हित में नहीं, वो उनके सेल्फिश मतलब सेल्फ इंटरेस्ट में लेते हैं। आपने ऐसे जनप्रतिनिधि जो आपके पास वो मालूम है अभी इस वचन में इनसे सावध रहना है और उनको पता ही चूंकि नहीं भेजना है और भेजते हो तो जो भुगत रहे हो भुगतते रहोगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सतर्क खुद समझो दूसरों को समझो। और ब्राह्मणों ने बाबरी मस्जिद ऐसे ही गिराई, पान के ठेले पे बैठ के चाय के कपड़े के बैठ के बोलते यार वो गूगल आए उन्होंने ये किया वो घुसते वो लाने वो पाने बोल बोल के मतलब उनके प्रति घृणा पैदा किया और बाबरी मस्जिद गिरा दिया। तो अगर आप ये काम करते हो अच्छा क्या कि लोगों को समझाने का ये महान कार्य, ये महान कार्य अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक दिन वो हमारे जीवन में आएगा, समाज में आएगा और इस देश को पास करेंगे और इस देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी इस देश की एनवायरमेंटल पॉलिसी इस देश की एजुकेशन पॉलिसी वो आप डिसाइड करेंगे। जिस दिन आप डिसाइड करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप भी अपने खिलाफ डिसाइड करेंगे। तो जिस दिन आप डिसाइड करेंगे तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो भी हमारे समाज के अंदर आए एक बार हमारी पार्टी में ये पूरा ऑल ओवर इंडिया ये कार्यक्रम हम गांव गांव तक लेके जाएंगे। मेरी बॉम्बे और इस रीजन के जो हमारे कार्यकर्ता है उनसे रिक्वेस्ट है कि हर गांव में 10, 5, 25, 50 लोग जहां भी बैठे ये बताओ ये पंजाबी पढ़ के बताएगा तो भी बहुत है और जो मैंने समझाया ये चीजें भी अगर आप उसके साथ समझाते हो और आप खुद का अध्ययन करके अपने समाज के हित में अगर आप समझाते हो तो हमारे देश को कल्याण होगा, हमारे लोगों को कल्याण होगा। इतना ही समाप्त करता हूँ। जय भीम।